TIR हम कर चुके थे, लेकिन TIR पे क्या क्या क्वेश्चन बच्चे हमारे पास बन सकते हैं। तो हमारे पास रक्षित, सबसे पहले वंशिका, TIR पे सलोनी क्या क्वेश्चन बनेगा? तो सलोनी हमारे पास ऋषम क्वेश्चन क्या बनेगा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्रिटिकल एंगल, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्रिटिकल एंगल, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द क्रिटिकल एंगल। हमारे पास आप क्रिटिकल एंगल से क्या समझते हो, तो आप बोलोगे ये हमारे पास एक ऐसा एंगल है जिस एंगल के ऊपर डेंसर मीडियम से जाती हुई लाइट रेयरर मीडियम में जाने के बजाय बाउंड्री के पैरेलल चलेगी। इस बाउंड्री के ऊपर रेयरर मीडियम है, इस बाउंड्री के नीचे डेंसर मीडियम है, और ये लाइट आपके पास अगर ऐसे चली गई है तो जो लाइट बच्चे इंसिडेंट हुई वो आपके पास कौन सा एंगल था, क्रिटिकल एंगल। ये बच्चा हमारे पास क्रिटिकल एंगल बच्चा हमारे पास बन गया। एक बच्चे का डाउट बच्चा हमारे पास है, मैं जरा चेक कर लूं कि वो कहना क्या चाह रहा है, अगर पॉसिबल हुआ तो हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं। एक तो यार दो मिनट रुकते भाई, दो मिनट। एक तो एक बार डिस्प्लेसमेंट कल रह गया है। अच्छा चलो, तो हमारे पास एक बच्चा डिस्प्लेसमेंट करंट, कोई बात नहीं उसको भी देखते हैं बच्चे। सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्रिटिकल एंगल, और फिर बच्चे ये डेंसर मीडियम है जिसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स म्यू है और बाहर का वंशिका वन है, तो यहाँ पर साइन ऑफ सी इज इक्वल टू वन बाई म्यू के बराबर है। बेटा इसको याद रख लेना, मुझे इस चीज को याद रख लेना। हमेशा बच्चा बोलते सर मैं भूल गया। भाई साहब आप भूल नहीं सकते, अगर कोई चीज आप भूल रहे हो तो इसका मतलब बहुत सीरियस बात है, इसका मतलब बहुत बहुत सीरियस बात है कि कहीं ना कहीं बच्चे आपकी लाइफ सॉर्टेड आउट नहीं है, कहीं ना कहीं आप फंस रहे हो, कहीं ना कहीं बच्चे चीजें आपसे उलझ रही हैं। वो उलझी हुई चीज को सुलझाओ और इस पर ध्यान दो। क्या मुश्किल है, साइन ऑफ सी इज इक्वल टू वन बाई मी, साइन ऑफ सी इज इक्वल टू वन बाई मी, साइन ऑफ सी इज इक्वल टू वन अपॉन मी। तो ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्रिटिकल एंगल आ गया। सेकंड बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या चीज आ जाती है, सेकंड हमारे पास यहाँ पर क्या चीज आ जाती है, सेकंड बच्चा हमारे पास यहाँ पर आ जाता है जहां पर टीचर बोलता है कि मेरे पास रेड कलर की लाइट है, मेरे पास रेड कलर की लाइट है और ब्लू कलर की लाइट है बच्चे, तो आपके पास विच है मोर क्रिटिकल एंगल, विच हैज मोर क्रिटिकल एंगल। हमारे पास इन दोनों में से क्रिटिकल एंगल किसका ज्यादा होगा, हमारे पास इसमें से क्रिटिकल एंगल किसका ज्यादा होगा, रेड कलर और ब्लू कलर में से क्रिटिकल एंगल बच्चा हमारे पास किसका ज्यादा होगा। बड़ी सिंपल सी बात, हमारे पास अगर ये रेड और ब्लू कलर तो क्रिटिकल एंगल किसका ज्यादा होगा, तो हमारे पास याद रखना साइन ऑफ सी जो क्रिटिकल है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा वेवलेंथ ऑफ द लाइट। तो क्या समझे, इसका मतलब जो हमारे पास रेड कलर है वो बच्चा हमारे पास उसका क्रिटिकल एंगल आपके पास ज्यादा है और ब्लू कलर का क्रिटिकल एंगल बच्चा हमारे पास यहाँ पर कम है। इसका मतलब अगर मेरे पास यहाँ पर एक लाइट है, ये लाइट को बच्चे मैं येलो कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं और ये लाइट आपके पास यहाँ पहुंच रही है, तो इसका लाइट का जो रेड कंपोनेंट है बच्चे वो अगर अभी भी क्रिटिकल एंगल पे है तो हमारे पास जो ब्लू कलर है वो बच्चे आपके पास TIR शो भी कर देगा। ब्लू कलर बच्चे TIR क्यों शो कर देगा, क्योंकि उसके लिए जो रेड कलर का क्रिटिकल एंगल है वो बच्चे हमारे पास इस ब्लू कलर का क्या बन जाएगा बच्चे, क्रिटिकल एंगल से बड़ा। तो ब्लू कलर आपके पास यहाँ पर क्या कर गया TIR, और रेड कलर बच्चे अभी भी किसके ऊपर है बच्चे ये अभी भी मेरे पास क्रिटिकल एंगल पे है। ये मेरी बात समझ पा रहे, मेरी बात समझ पा रहे, यानी कि वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिस पे रेड कलर क्रिटिकल एंगल के ऊपर जा रहा है, क्रिटिकल एंगल के ऊपर जा रहा है, उस एंगल पे ब्लू कलर क्या कर चुकी है बच्चे आपके पास, ब्लू कलर आपके पास TIR कर चुकी है। इसका मतलब रेड कलर पहले TIR करता है बच्चे हमारे पास की ब्लू कलर, तो हम बोलेंगे ब्लू कलर बड़ी जल्दी TIR करेगा क्योंकि उसकी वेवलेंथ छोटी है, वो बड़े छोटे एंगल पे जाकर बच्चे हमारे पास क्या कर जाएगा आपके पास यहाँ पर TIR कर जाएगा। ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या कर जाएगा TIR कर जाएगा।
चलते हैं आगे की तरफ, नेक्स्ट वन। सो नेक्स्ट बच्चा, हमारे पास क्रिटिकल एंगल से रिलेटेड मैंने आपको बताया बहुत क्वेश्चंस है बच्चे, बहुत क्वेश्चंस है। और कल शायद मैंने बोला था कि मैं आपको पहले क्वेश्चन करवाऊंगा फिर आगे चलने का बच्चे पर्पस बनता है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे टीचर आपको क्वेश्चन पूछेगा, और टीचर क्या क्वेश्चन पूछेगा, टीचर हमें यहाँ पर क्वेश्चन पूछेगा कि इफ द, अगर बच्चे हमारे पास क्रिटिकल एंगल, अगर हमारे पास जो क्रिटिकल एंगल है, इफ द क्रिटिकल एंगल आपके पास जो क्रिटिकल एंगल है इज 30 डिग्री, अगर क्रिटिकल एंगल 30 डिग्री है फॉर अ डेंसर रेयरर मीडियम, फॉर द डेंसर रेयरर मीडियम कॉम्बिनेशन, रेयरर मीडियम कॉम्बिनेशन, रेयरर मीडियम कॉम्बिनेशन, रेयरर मीडियम कॉम्बिनेशन, देन बच्चा हमारे पास स्पीड ऑफ द लाइट इन डेंसर मीडियम, देन द स्पीड ऑफ द लाइट इन डेंसर मीडियम, द स्पीड ऑफ द लाइट इन द डेंसर मीडियम, द स्पीड ऑफ द लाइट इन द डेंसर मीडियम। तो स्पीड ऑफ लाइट बच्चा हमारे पास डेंसर मीडियम के अंदर क्या होगा, तो परनीत महक बच्चे हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, बड़े सिंपल तरीके से करेंगे स्तुति। तो हमारे पास सलोनी इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, मेरी बात हमेशा याद रखना रक्षित, आपके पास क्रिटिकल एंगल का एक और फॉर्मूला, द स्पीड ऑफ द लाइट इन डेंसर मीडियम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ द लाइट इन द रेयरर मीडियम, डिवाइडेड बाय द स्पीड ऑफ द लाइट इन द रेयरर मीडियम। तो हमारे पास यहाँ पर साइन ऑफ सी ये किसके बराबर आ जाएगा, सो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम ये मुझे पता करना, और बच्चे रेयरर मीडियम गिवन नहीं है तो वो एयर आ जाएगा, सो 3 × 10⁸। नेक्स्ट क्रिटिकल एंगल, मेरे पास यहाँ पर साइन ऑफ 30 डिग्री है एंड दिस इज वी अपॉन 3 × 10⁸, और v is equal to 1/2 × 3 × 10⁸। तो हमारे पास v की वैल्यू कितने के बराबर है, 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो आपके पास यहाँ पर स्पीड की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। सो 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, तो 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। यार बड़ी सिंपल सी तो बात है बच्चे, हमारे पास बहुत सिंपल। रिमेम्बर बच्चे फॉर्मूले याद करना, रोज का रोज पढ़ना, क्वेश्चन करना, ये सारी प्रॉपर्टीज हमारे अंदर होनी चाहिए, और ये होनी ही चाहिए बच्चे हमारे पास। देखो हमारे पास एग्जिस्टेंस का सवाल है बच्चे, हमारे पास सवाल एग्जिस्टेंस का है और कुछ नहीं। प्रॉब्लम बच्चे हमारे पास ये है बच्चे कि अगर मान लिया जाए कि कोई बच्चा आजकल के टाइम के अंदर, सपोज कि कोई बच्चा कहता है कि सर चलो मैंने 12वीं को ऐसे तैसे कर दिया, मैंने कर दिया 12वीं को ऐसे तैसे, नहीं पढ़ाई की, नंबर कम आ गए, है ना, बाद में कुछ कर लिया, ऐसा कर लिया, ऐसा कर लिया। प्रॉब्लम ये बच्चे कि जब तुम्हारे आगे बच्चे होंगे, है राघव, देश्वरी, रक्षित, सलोनी, जब तुम्हारे आगे बच्चे होंगे तो क्या बोलेंगे राघव, कि हमारा पापा कितना नलायक था कि 12वीं में इतने कम नंबर लेके, बोल सकते हैं ना। तुम ये सोचो कि तुम अपने पेरेंट्स के साथ कितना सवाल जवाब कर लेते हो ना, तो आपके जो बच्चे होंगे वो 2 कदम तो तुमसे आगे होंगे। अब कोई बच्चा बोलता है नहीं नहीं सर हमारे बच्चे आज्ञाकारी होंगे, अरे जा आज्ञाकारी होंगे, तुम कितने का आज्ञाकारी हो अपने माँ बाप के, पहले एक बात बताओ। मैं बच्चों को साफ कहता हूँ, अगर तुम आज्ञाकारी नहीं हो तो बच्चे आपके बच्चे आपसे 2 कदम आगे, बेटा जो आगे जनरेशन आती है बच्चे वो बिल्कुल तीखी होके आती है, पिछले वो जीन्स में चलता है। तो कल को तुम्हारी जनरेशन तुम्हारे मुंह पे बोलना बेटा, है राघव मुझे बोला हमारा बाप ही नलायक था, और बोले कि तुम्हारे मुंह पे बोलेंगे वो अपने दोस्तों के साथ, अरे मेरा बाप नलायक था, अरे 12वीं के अंदर नंबर नहीं लेके आया, मुंह पे क्या देंगे, अरे बाप बन गया नलायक, एक नंबर का बाप बन गया, नलायक बाप बन गया। तो बच्चा बड़े चुभेगा बच्चे बात, आया ना, है तो मजाक की बात लेकिन सोच के देखो अगर ऐसा हुआ तो कितनी खतरनाक बात हो जाएगी, है ना। तो इस वजह से
भाई चलो, बच्चा कहता है कि मैं इस वजह से पढ़ना चाहता हूँ, इस वजह से पढ़ना चाहता हूँ कि कल को ये मोटिवेशन भी रख लो कि कल को तुम्हारी जनरेशन तुम्हें गालियां कि ये बोले कि यार यार कैसे माँ बाप थे हमारे, है ना, तो ये जनरेशन तुम्हें गाली ना दे, थोड़ा बहुत पढ़ते रहो। कल को उसने पूछ लिया, पापा क्रिटिकल एंगल क्या होता है, बोले यार मुझे नहीं पता, मुझे नालायक बाप है मेरा, बड़ी बड़ी इज्जत डाउन हो जाएगी भाई। और तुम बोलोगे ये ऐसे करना है, इसको ऐसे डिवाइड करना है, पापा आप तो कोचिंग के टीचर से भी अच्छा जानते हो। अच्छा ठीक है भाई, जानते हैं जानते हैं, हम क्या चने थोड़ी ना बेच के, ऐसे बोलते ना लोग, है ना, आपके आपके सामने कोई पर्सन होगा बूढ़ा सा जो ये बोलता होगा, अरे चने चने बेच के, छोले बेच के थोड़ी ना पास हुए। तो तुमने भी ये बोलना करना अपने से, गली मोहल्ले के अंदर जो छोटे छोटे बच्चे, अरे छोले बेच के थोड़ी ना पास हुए बाहर, यार पढ़ाई की हमने, पता हमें क्रिटिकल एंगल क्या होता है, रेड कलर का ज्यादा होता है, ब्लू कलर का कम होता है, ब्लू कलर पहले TIR करेंगे, तुम क्या जानते हो आजकल के छोकरों, तो इस वजह से पढ़ लो बेटा। मोटिवेशन अलग अलग हो सकती है लेकिन भाई काम तो करेगी, आगे चलते हैं। सो हम बच्चे अगर आगे चले और आगे डिस्कस करें, क्या हमारे पास यहाँ पे क्रिटिकल एंगल हमारे पास आया, तो हमारे पास कल की एक प्रॉब्लम भी फंसी हुई है। प्रॉब्लम क्या है, सर बोलो 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 बोलो। सर ये पिछले क्वेश्चन में हम लोग ने मतलब रेयर मीडियम को हम लोग ने वैक्यूम अपने हवा मान ली, हिसाब से, जब जब कोई चीज ना हो तो हम मान लेते हैं कि बच्चे वहां पर हवा, मेरी बात समझो, जैसे फॉर एग्जाम्पल मुदित एक एग्जाम्पल है भाई, ऐसा नहीं है, डिपेंड्स ऑन डिफरेंट डिफरेंट थिंग। अगर हमें क्लास के अंदर कोई पेन दिख जाए और हम बोलेंगे पेन किसका पेन किसका, जल्दी जल्दी बोल के पेन अपनी जेब में डाल देंगे, मान लेंगे किसी ने नहीं पूछा तो पेन किसका है, बच्चे हमारे पास, मुदित हमारा है। तो वैसे अगर टीचर यहाँ पर आपको बाहर के मीडियम के बारे में ना बताए तो मुदित हवा मान ले, यार क्या फर्क पड़ता है, कुछ ना कुछ तो रखना पड़ेगा, तो हवा रख ले बच्चे, हाँ है ना, ठीक है यस सर, मुदित, ठीक पक्का, है सर, चल ठीक है। मुदित कहता है जान छुटी सर, हाँ बोल के जान छुड़ाओ। तो हमारे पास अब यहाँ पर नेक्स्ट क्या चीज आ गई, नेक्स्ट कल जैसा क्वेश्चन, कि हमारे पास यहाँ पर एक मछली है, पंजाबी में मच्छी है, पंजाबी में मछली नहीं बोलते, मच्छी मच्छी है सर जी, मछी है, मछी यहाँ है ना, तो पंजाबी में बच्चे एक मछी है, और बच्चा हमारे पास ये मछी पानी के अंदर कितने डिस्टेंस पे, ये पानी के अंदर कितने डिस्टेंस पे, तो मान लो कि ये मछी 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। अब ये मछी के साथ बच्चे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये मछी को ये दुनिया बच्चे हमारे पास ऐसे, ये दुनिया बच्चे हमारे पास ऐसे कोण के अंदर नजर आती है, क्योंकि इसके बाद लाइट आपके पास क्या कर जाती है, TIR कर जाती है, लाइट आपके पास यहाँ पर क्या कर जाती है, TIR, तो ये बच्चे हमारे पास ऐसे, ये लाइट बच्चे हमारे पास क्या कर गई, TIR कर गई, ये लाइट हमारे पास TIR कर गई। टीचर बोलेगा इस मछी को हमारे पास यहाँ पर जो सर्कल के अंदर दुनिया नजर आती है, बता आपको एक बात बताऊं, इस मछली को 42.2 डिग्री के आसपास दुनिया नजर आती है, 45.2 डिग्री के बाद इसको दुनिया नजर नहीं आती, सब कुछ ब्लैक ब्लैक नजर आता है, और इसको दुनिया कोनिकल नजर आती है, जैसे हम अपने आसपास गर्दन घुमाते हैं ना, हमें सब कुछ नजर आता है, स्फेयर में रहते हैं हम, स्फेयर में रहते हैं, और मशी किस में रहती है बच्चे, मशी हमारे पास किस में रहती है, कोन के अंदर रहती है, तो मशी को बच्चे सिर्फ अगर वो ऊपर की तरफ देखे भी तो उसे कोन नजर आता है। तो हमारे पास यहाँ पर अब टीचर बोलता है कि भाई वो एरिया और म्यू जो पानी है बच्चे, पानी का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है 4/3, तो पानी का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है 4/3, और टीचर बच्चे हमें बोलता है कि भाई वो रेडियस बताओ जिसमें, या एरिया बताओ जिसमें ये चीज हमें जो है बच्चे आपके पास कैलकुलेट दी, एरिया ऑफ द सर्कुलर पैच विजिबल टू दी मशी, सर्कुलर पैच विजिबल टू मशी, उसको इंग्लिश में लिखेंगे विजिबल टू फिश, विजिबल टू फिश बच्चे हमारे पास। अच्छा मुझे एक बात बता, अगर एक फिश हो तो क्या बोलते हैं फिश, अगर बहुत सारी फिश हो तो, तो भी फिश बोलते जा का झूठ बोल रहा है, ऐसा क्यों करते हैं पहले ये बात बता, आंसर तेरा सही है, आई एम इम्प्रेस्ड, मैं इम्प्रेस्ड हुआ भाई, पर क्यों, सर, प्लूरल में भी सर मतलब फिश ही करते हैं। क्यों कहते हैं, एक तो आगे ना अंग्रेजी भी सीखो, तो क्यों कहते हैं, किसी बच्चे को पता है, यहाँ पर हृदयेश्वरी रक्षित सलोनी, हाँ बच्चे पता
पता है इसके बारे में, ऐसा क्यों कहते हैं, रक्षित क्यों कहते हैं? रक्षित ने जवाब नहीं देना अभी, चलो खैर मैं बताता हूँ, क्योंकि बच्चे जो ये कॉमोडिटी होती है बच्चे, कॉमोडिटी का प्लूरल भी सिंगुलर के बराबर होता है, कॉमोडिटी, ठीक है? कोई कॉमोडिटी मतलब फिश कंज्यूम की जाती है, कॉमोडिटी है, इसलिए फिश भी फिश है, बहुत सारी फिश भी फिश है, ठीक है? हम भी पहले बोलते थे आई हैव गॉट लॉट ऑफ फिशेज इन माई एक्वेरियम, कोई बंदा बोलता है क्या बोल रहा है, मैंने बोला फिशेज, कहता बकवास मत कर, वहां क्या हो गया, पहले तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि वो, मेरे को लगा झूठ बोल रहा है, फिर बाद में पता किया, कहता नहीं एक फिश हो तो भी फिश, बहुत सारी हो तो भी फिश ही होते। चलो आगे चलते हैं, तो हमारे पास ये क्रिटिकल एंगल आ गया और ये बच्चा हमारे पास रेडियस आ गया, है ना? तो सबसे पहले तो जी साइन ऑफ सी, तो साइन ऑफ सी वन अपॉन म्यू, तो साइन ऑफ सी इज इक्वल टू बच्चे वन अपॉन, आपके पास यहाँ पर फोर और यहाँ पर बच्चे थ्री आ जाएगा। अगर हम यहाँ पर फोर बाई थ्री देखें तो मेरे पास अब यहाँ पर क्या चीज आ गई, एक ट्राइंगल आ गया, ये बच्चा हमारे पास थ्री आ गया, ये फोर आ गया और ये बच्चे 16 माइनस 9, तो अंडर रूट ऑफ कितना आ गया, 7। ये बच्चा हमारे पास अंडर रूट ऑफ 7। दूसरी चीज बच्चा हमारे पास यहाँ पर आर अपॉन एच यानी 10 सेंटीमीटर, ये हमारे पास है टेंजेंट ऑफ सी, ये बच्चे टेंजेंट ऑफ सी, तो आपके पास आर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर इंटू रूट 3/7, ठीक? और अब बच्चा हमारे पास एरिया ऑफ पैच, तो पाई इंटू आर स्क्वेयर, तो पाई इंटू हमारे पास 9, इसका सबका स्क्वेयर आ जाएगा, सो बच्चे 900 डिवाइडेड बाई 7, और बच्चा हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वेयर। आपके पास इस छिप, आपके पास यहाँ पर मछली को, आपके पास यहाँ पर इतने एरिया के अंदर से लाइट आती हुई नजर आएगी और बाकी जगह पे बच्चे यह हमारे पास क्या कर जाएगा बच्चे, TIR कर जाएगा, और बाकी जगह पे हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगी बच्चे, TIR हो जाएगी। क्लियर है बच्चे वाली चीज, क्लियर बेटा? चलो आगे चलते। So, हमारे पास यहाँ पर ये क्रिटिकल एंगल का एक और क्वेश्चन हमारे पास खत्म होता है। हमारे पास यहाँ पर और भी कई चीजें बच्चे, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है। अब बच्चे हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि ये मेरे पास एक ट्यूब है, ध्यान से देखना बच्चे इस क्वेश्चन को, ये बच्चा हमारे पास एक ट्यूब है ऐसे, और ये ट्यूब बच्चा हमारे पास ऐसे गोल घूम रही, ऐसे गोल घूम रही, ये ट्यूब बच्चा हमारे पास ऐसे और ये बच्चा आपके पास नीचे की तरफ को आ गया, और ये ट्यूब बच्चा हमारे पास यहाँ से गोल घूम के आपके पास कहाँ तक आ रही है, इस तरीके से आपके पास नीचे तक आ रही है। तो हमारे पास यहाँ पर ये ट्यूब है और इस ट्यूब का डायमीटर आपके पास डी के बराबर है, ये डायमीटर बच्चा हमारे पास डी के बराबर है, ठीक है? हमारे पास इसका जो रेडियस है इंटरनल रेडियस वो आर के बराबर है, यानी कि यहाँ कहीं पर इसका सेंटर पड़ेगा और ये बच्चा हमारे पास इसका आर आ गया रेडियस, और बच्चा हमारे पास यहाँ पर इसका जो आपके पास डी, डी बच्चा हमारे पास इसका क्या आ गया, अंदर वाले का रेडियस, और इसका अंदर वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू के बराबर है। होता क्या, ध्यान से समझो, हमारे पास बच्चे होता क्या है कि यहाँ से आपके पास एक लाइट जाती है और ये लाइट बच्चा हमारे पास जैसे ट्रेवल कर रही है तो यहाँ से TIR हो रही है, बहुत सारी लाइट जा रही है बच्चे हमारे पास, है ना? और ये लाइट बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या कर गई, TIR, मतलब कि यहाँ से यहाँ पर पहुंची, और इसके बाद बच्चे हमारे पास इससे पहले कि ये बाहर निकलती तो उससे पहले बच्चा हमारे पास यहाँ पर ये क्या कर गई, TIR, यानी कि यहाँ कहीं से ये बच्चा आपके पास नॉर्मल था और यहाँ से बच्चा हमारे पास TIR कर गई, तो ये बच्चा हमारे पास लाइट यहाँ से आपके पास TIR, एक यहाँ से बच्चे आपके पास लाइट जा रही थी और ये लाइट बच्चा हमारे पास इससे पहले बाहर निकलती तो यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ कि लाइट बच्चे हमारे पास यहाँ पे TIR कर गई, और इसके बाद बच्चे लाइट हमारे पास यहाँ पे TIR करके यहाँ से बच्चे आपके पास वापस आ गए, मतलब कि ये आपके पास यहाँ पर जाकर TIR करके रुक गए। तो अब बच्चे हमारे पास टीचर पूछेगा कि भैया इस TIR की आपके पास क्या कंडीशन आपके पास हो सकती है।
सकती है। तो TIR करने के बच्चे हमारे पास यहाँ पर क्या क्या कंडीशन बच्चे हमारे पास हो सकते हैं? तो TIR करने के लिए बताओ बच्चे हमारे पास क्या कंडीशन होनी चाहिए? हमारे पास TIR करने के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए कि ये वाला एंगल थोड़ा सा क्रिटिकल एंगल से क्या होना चाहिए बच्चे आपके पास ऊपर होना चाहिए। अगर हमारे पास ये एंगल बन रहा है तो देखते हैं बच्चे क्या क्या चीजें बन रही है, जरा देखते हैं। ये हमारे पास आ गया, अगर ये एंगल मेरे पास यहाँ पर थीटा है तो ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर आपके पास थीटा है, तो जरा देखते हैं कौन कौन से एंगल क्या क्या बन सकते हैं बच्चे हमारे पास, है ना। तो ये एंगल थीटा है, ये बच्चा हमारे पास आ गया, और ये बच्चा हमारे पास 90 माइनस थीटा, और ये बच्चा हमारे पास जेड है, तो ये बच्चा आपके पास एंगल थीटा है ना। कुछ ऐसी ऐसी चीजें बच्चे हमारे पास बननी स्टार्ट हो जाएंगी। तो हमारे पास यहाँ पर थीटा, मैं अगर यहाँ पर लाइन खींच दूं तो बच्चा आपके पास यहाँ पर ये एंगल आपके पास क्या आ जाएगा, थीटा बच्चे आपके पास आ जाएगा, है ना। कुछ ऐसे बच्चे हमारे पास यहाँ पर केसेस बनने बच्चे आपके पास क्या हो जाएंगे, शुरू हो जाएंगे। तो ये बच्चा हमारे पास थीटा 90, ये बच्चे 90 माइनस थीटा, तो हमारे पास क्रिटिकल एंगल होने के लिए साइन ऑफ थीटा अप्रोक्सीमेटली बच्चे ये आपके पास ग्रेटर देन होना चाहिए बच्चे आपके पास क्रिटिकल एंगल 1/μ, ये बच्चा हमारे पास 1/μ से बच्चा आपके पास यहाँ पर बड़ा होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो आपके पास अब ये एंगल थीटा निकलेगा कैसे, अब प्रॉब्लम है बच्चे हमारे पास ये एंगल थीटा निकलेगा कैसे। अगर हम देखें तो यहाँ तक का डिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली आपके पास किसके बराबर है, डी के बराबर है ना। अगर ये बच्चा हमारे पास डी के बराबर है, यहाँ तक डी के बराबर, ये आर है, तो हमारे पास यहाँ पर नीचे कितने के बराबर है अप्रोक्सीमेटली, ये चलो डी के बराबर ही मान लेते हैं कि जहाँ फर्क है नहीं, तो हमारे पास यहाँ पर ये चीज कितने के बराबर आ जाएगी। नाउ दिस इज आर एंड दिस इज आर साइन ऑफ थीटा, यहाँ पर हमारे पास r sin of theta, ये भी हमारे पास approximately किसके बराबर है, d, and this is equal to r cos of theta, ये बच्चे हमारे पास r cos of theta, ये d है। अच्छा अगर ये बच्चे हमारे पास d है तो ये एंगल थीटा, और ये बच्चे हमारे पास परपेंडिकुलर है, तो ये d अपॉन बच्चे हमारे पास क्या आ जाएगा, sin of theta, तो ये d साइन ऑफ थीटा, तो कुछ बन तो पाएगा बच्चे, अप्रोक्सीमेटली बन पाएगा बच्चे हमारे पास, है ना। क्योंकि हमारे पास यहाँ पर अगर हम देखें अप्रोक्सीमेटली ये भी d के बराबर ही है, बल्कि अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो अप्रोक्सीमेटली तो ये भी आपके पास d के बराबर ही है, तो d प्लस r साइन थीटा, और ये बच्चे हमारे पास इसका मतलब d प्लस r साइन थीटा, कुछ बन नहीं पाएगी हमारे पास बात अगर मैं इसकी टर्म में देखूँ। चलो कोई बात नहीं, इसको हम देखते हैं बच्चे हमारे पास, है ना। डी तो हमने रेडियस नहीं लिया था, हाँ बच्चों वही चीज है, थोड़ा सा इसके अंदर से बच्चे हमारे पास, या तो मेरा डायग्राम फॉल्टी बन गया जिसकी वजह से बच्चे हमारे पास यहाँ पर डी टोटल 2D लेना पड़ेगा, 2D इसका डायग्राम उससे फॉल्टी बन गया, ये 2D साइन थीटा, क्योंकि अगर ये 2D डिवाइड बाई साइन थीटा तो हमारे पास अप्रोक्सीमेटली ये भी डी के बराबर ही है, आर प्लस डी। चलो मैं कोई नहीं, इस डायग्राम को एक बार कंफर्म कर लूंगा, इसको हम लीव कर देते, कोई बात नहीं, इस पर भी टाइम भी वेस्ट कर सकते हैं, है ना, कोई बात नहीं, हम दूसरा कोई क्वेश्चन कर लेते हैं। सो हमारे पास बच्चे अब दूसरा क्वेश्चन बच्चे आपके पास क्या आ जाता है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चे मेरे पास यहाँ पर। अब ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग और टीचर बच्चे आपको यहाँ पर पूछ सकते, और वो ये बच्चा हमारे पास कि ये मेरे पास एक राइट एंगल प्रिज्म है, और इसको इरेक्टिंग प्रिज्म भी बोलते हैं, इसको बच्चे हम यहाँ पर इरेक्टिंग प्रिज्म भी बोल देते हैं, और हमारे पास यहाँ पर ये एंगल है बच्चे आपके पास 45 डिग्री, ठीक। यहाँ से हमारे पास एक लाइट जा रही है, और ये लाइट बच्चे आपके पास रिफ्रैक्ट होकर यहाँ पर पहुंच गई, ठीक है, और हमारे पास यहाँ पर ये दूसरी लाइट जा रही है, और ये बच्चा हमारे पास रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पहुंच गया, ये दो लाइट्स, मुझे आइडेंटिफाई करनी है कि कौन सी लाइट आपके पास कौन सी है। ये बच्चा आपके पास ऑफ कोर्स एंगल 45 है, और ये बच्चा हमारे पास 45, आपको कलर ऑफ लाइट को आइडेंटिफाई करना है कि इसमें से रेड कलर की लाइट कौन सी हो सकती है और वायलेट कलर की लाइट आपके पास कौन सी हो सकती है, ये बच्चे हमको यहाँ पर आइडेंटिफाई करना, कैसे समझते है?
देखते तो हमारे पास रेड कलर के लिए तो बहुत बड़ा क्रिटिकल एंगल चाहिए, बहुत बड़ा, और बच्चे हमारे पास ब्लू कलर के लिए नॉर्मल सा कोई भी एंगल चाहिए पड़ेगा। तो हमारे पास ये बनेगा ब्लू कलर और ये बनेगा बच्चे हमारे पास कौन सा कलर बच्चे, रेड कलर। रेड कलर क्यों? क्योंकि उसके लिए क्रिटिकल एंगल बहुत बड़ा चाहिए बच्चों, बहुत बड़ा चाहिए। और जो बच्चे हमारे पास ब्लू कलर है उसको हमारे पास बहुत छोटा क्रिटिकल एंगल चाहिए, तो 45 डिग्री पे हो जाएगी। तो अगर टीचर बोलते हैं प्रेडिक्ट करो ऊपर वाला रेड और नीचे वाला ब्लू, ऊपर वाला रेड और नीचे वाला बच्चे हमारे पास ब्लू। चलते हैं बच्चे आगे की तरफ, नेक्स्ट में छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर टीचर मुझे यहाँ पर स्लैब देता है, ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर स्लैब आ गया। तो ये एक ग्लास स्लैब है, ये बच्चे हमारे पास यहाँ पर ग्लास स्लैब, ये ग्लास स्लैब। सो ये बच्चे हमारे पास ग्लास स्लैब आ गई और इस ग्लास स्लैब के अंदर लाइट आपके पास एंटर करती है। तो बेटा जी देखो जी ये लाइट होगी एंटर, ये बच्चे हमारे पास लाइट हुई एंटर और ये लाइट रिफ्रैक्ट होके यहाँ पर और ये बच्चे कर दी क्रिटिकल एंगल से। मेरी बात समझ गए? यह क्रिटिकल एंगल मान लो, नहीं क्रिटिकल एंगल मानना बोलो कि टी आई आर होगी, वैसे भी हमें आइडिया हो ही जाएगा बच्चे। तो अब बच्चे हमारे पास यहाँ पर क्या, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और बच्चा हमारे पास यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितने के बराबर है, 90। तो ये बच्चा हमारे पास आर, ये बच्चा हमारे पास 90 डिग्री माइनस आर और ये 90, एंड दिस इज 90 डिग्री माइनस आर और ये यहाँ, ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर आ गया। लाइट बच्चे हमारे पास कहाँ से कहाँ पर चल रही है, लाइट बच्चे हमारे पास यहाँ पर एयर से आपके पास ग्लास में और ग्लास से बच्चे दोबारा एयर में जाना चाहते हैं। अब देखो हमारे पास क्या है कि बच्चा रट्टा लगाता है, हमको रट्टा नहीं लगाना, अंडरस्टैंड करना। मैं दो इक्वेशंस बनाऊंगा, आप सब बच्चे इससे एग्री करेंगे। मेरे पास पहली इक्वेशन है साइन ऑफ आई इज इक्वल टू म्यू साइन ऑफ, तो साइन ऑफ आई इज इक्वल टू म्यू साइन ऑफ आई, ये पहली चीज। दूसरी चीज बच्चे हमारे पास क्या, आपके पास यहाँ पर है म्यू साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस आर, समझना बच्चे, एंड दिस इज इक्वल टू 1 साइन ऑफ 90 डिग्री, मेरी बात समझ गए, या फिर म्यू ये कॉस आ जाएगा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस ऑफ, ये बात अंडरस्टैंड करना बच्चे। इसके बाद बच्चा हमारे पास क्या आ गया, देयरफॉर साइन ऑफ आई इज इक्वल टू म्यू, और बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा कॉस, और ये बच्चे साइन अपॉन कॉस। इसमें और भी कई वर्जन है बच्चे जो हम बना सकते हैं बच्चे, जैसे कि यहाँ पर आप लिख सकते हो दिस कैन बी रिटन एज इज इक्वल टू सेकेंट ऑफ आर, ठीक है। तो हमारे पास ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे इसको मैं साइन ऑफ आर लिख दू, ध्यान से सुनिए, और मैं इसको यहाँ पर ये भी लिख सकता हूँ कि आपके पास साइन ऑफ आई इज इक्वल टू म्यू साइन ऑफ आर, तो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर, और यहाँ से बच्चे कॉस ऑफ आर इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू, तो साइन ऑफ आई इज इक्वल टू म्यू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 1 अपॉन म्यू का स्क्वायर। तो यहाँ पर मेरे पास साइन ऑफ आई, समझो बच्चे साइन ऑफ आई इज इक्वल टू म्यू अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस 1 अपॉन म्यू, रूट से निकल जाएगा ये कैंसिल, तो मेरे पास आई इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ आपके पास अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस 1, तो ये बच्चा हमारे पास रिजल्ट। सो आई इज इक्वल टू साइन इनवर्स अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस 1, तो आई इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ 1, तो आई इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ आपके पास क्या आ जाएगा म्यू स्क्वायर माइनस 1। तो ये बच्चे हमारे पास यहाँ पर इसका रिजल्ट है जो आपके पास तैयार हो जाएगा। चलते बच्चे आगे, तो ये बच्चे हमारे पास पूरा का पूरा क्रिटिकल एंगल या क्या क्या टीचर हो सकते हैं, ये क्वेश्चन थे बच्चे।
सो आज बच्चे हम यहां पर शुरू करते हैं विद न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ द प्रिज्म. व्हाट इज अ प्रिज्म? सो प्रिज्म इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम. दिस इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम. यह बच्चा हमारे पास ट्रांसपेरेंट मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से बड़ा एंड बाउंडेड बाय, और यह बच्चा आपके पास बाउंडेड है बच्चे. दिस इज बाउंडेड बाय द, यह बच्चा हमारे पास बाउंडेड है. और ये किससे बाउंडेड है बच्चे हमारे? दिस इज बाउंडेड बाय द टू, आपके पास रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेस, टू रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेस which are non-parallel to each other, जो कि बच्चा हमारे पास एक दूसरे से non-parallel, जो कि बच्चा हमारे पास एक दूसरे के parallel नहीं. इसको बच्चे हम prism बोलते. मतलब क्या हुआ? मतलब बच्चा हमारे पास यहाँ पर ये सबसे बड़ी मिसकॉन्सेप्शन है कि ये बच्चा आपके पास प्रिज्म, ये तो प्रिज्म है ही है बच्चा हमारे पास, हम पढ़ेंगे भी इसको. लेकिन ध्यान रखना बच्चा हमारे पास, अगर आपके पास कोई ऐसी फिगर भी आती है तो क्या ये भी प्रिज्म है? यस, ये भी प्रिज्म है. और ये क्यों प्रिज्म है? क्योंकि हमारे पास ये दोनों साइड्स आपके पास नॉन पैरेलल. अगर कोई टीचर मुझे इस तरीके से आपके पास ऐसे ऐसे बच्चा आपके पास बोलता है कि लाइट यहां से आके यहां से निकल रही है, ये आपके पास है, तो हमारे पास यहाँ पर ये दो रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेस आपस के अंदर क्या है बच्चे? नॉन पैरेलल है. तो ये प्रिज्म. प्रिज्म का मतलब बच्चा हमारे पास ट्राइंगल नहीं होता. कोई भी ऐसी बच्चा हमारे पास फिगर, कोई भी ऐसी फिगर जिसके अंदर नॉन पैरेलल साइड्स आपस में जुड़ जाती हैं बच्चे, तो वो बच्चा हमारे पास प्रिज्म है. फॉर एग्जांपल, ये बच्चा हमारे पास ऐसे, ये बच्चा हमारे पास ऐसे और ये ऐसे. अब सपोज के बच्चा हमारे पास लाइट यहां से एंटर करके यहां से लीव कर रही है, क्या ये प्रिज्म है? यस, क्योंकि बच्चे जिस साइड से ये एंटर कर रही है और जिस साइड से ये लीव कर रही है, ये आपस में पैरेलल नहीं. तो कॉन्सेप्ट बच्चे हमारे पास नॉन पैरेलल साइड्स का, कॉन्सेप्ट बच्चे हमारे पास ट्रायंगल का बिल्कुल भी नहीं है. और दूसरी बात, हमारे पास प्रिज्म के अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और बच्चा हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये सब बच्चे ग्रेटर देन वन और साथ ही साथ बच्चे हमारे पास ग्रेटर देन वन होना चाहिए. तो ये प्रिज्म के कैटेगरी में आती है, अदरवाइज बच्चे प्रिज्म के कैटेगरी में बिल्कुल भी नहीं आती बच्चे. ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर आपके पास ग्रुप आपके पास इसके अंदर बच्चा आपके पास आ जाती है बच्चा. तो ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर ये चीज बच्चा आपके पास इस तरीके से प्रिज्म के कैटेगरी में आ जाती है. तो अब चलते हैं बच्चे हमारे पास नेक्स्ट. देखो बड़ी सिंपल सी चीज, हम जब प्रिज्म को पढ़ेंगे तो हम पढ़ते हैं बच्चे यहाँ पर एक पिरामिड शेप वाले प्रिज्म को, जो हमारे सिलेबस में, तो हमारे सिलेबस के अंदर जो आपको प्रैक्टिकल में भी पूछा जाएगा, या आपके पास ऐसा प्रिज्म होगा जिस प्रिज्म के बच्चे आपके पास दो रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेस होंगे. मेरी बात को समझ पा रहे? हमारे पास इसका ये बेस है, इसका बेस बच्चे हमारे पास रेक्टेंगुलर शेप का होगा और ये बच्चे आपके पास ऐसे ये प्रिज्म बन गया, ये बच्चे हमारे पास प्रिज्म बन गया. और हाँ, इस प्रिज्म को जब टीचर आपको देगा, इसको अपने प्रैक्टिकल में ऐसे नहीं रखना, इसको उल्टा करके ऐसे करके रखना. मैं आपको कभी बताऊंगा जब मैं लेके आऊंगा ना स्कूल से, तो मैं आपको दिखाऊंगा प्रिज्म को रखते कैसे. या फिर एक बच्चा जो है, मुझे एक बच्चे की बात याद आती है कि बताया था कि कहीं पे स्कूल में प्रिज्म के वो चल रहे थे, तो वहां पे टीचर ये जो आपका रेक्टेंगुलर फेस है ना, उसको रखवा के जो है वो क्या करवा रहा था, एक्सपेरिमेंट नहीं, आप इसके ट्राइंगल वाले हिस्से को नीचे रखते हो, ये वाला चाहे ये वाला चाहे ये वाला, इसको नीचे रख के आप फिर प्रैक्टिकल करना. नाउ दिस इज द एंगल ऑफ प्रिज्म और ये बच्चे आपके पास एंगल ऑफ प्रिज्म, ये बच्चा हमारे पास एंगल ऑफ प्रिज्म. जी राघव बोल बच्चे बेटा. सर ऐसे कि सर आप कह रहे हो सर ट्राइंगल वाला ऐसा रखते हैं और रेक्टेंगुलर वाला, तो उससे वैल्यूज में फर्क पड़ता है सर?
नहीं, आपके प्रैक्टिकल करने का तरीका ही, जब आपको मैं बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? ओके सो सर, दिस इज द बेस ऑफ द प्रिज्म, लेकिन बेस ऑफ प्रिज्म को कभी भी आप जो है बच्चे कागज पे रखते ही नहीं। और बच्चे हमारे पास यहाँ पर ये कौन सी साइड है, सो दिस इज द इंसिडेंट साइड, और बच्चे हमारे पास ये आ गई इमरजेंट साइड, ये इमरजेंट साइड, एंड दिस ए इज नोन एज टू बी द एंगल ऑफ प्रिज्म, दिस इज द एंगल ऑफ द प्रिज्म। और हमारे पास इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाहर वाले से बिल्कुल डिफरेंट है, ये ग्लास का बना होता है। सो देर आर टू काइंड ऑफ द ग्लास जहां से बनता है, वन इज नोन एज टू बी द क्राउन ग्लास, और दूसरा ग्लास बच्चे हमारे पास क्या बन जाता है, फ्लिंट ग्लास। तो एक बनता है बच्चे हमारे पास क्राउन ग्लास, और दूसरा क्या बन जाता है बच्चे हमारे पास, फ्लिंट ग्लास। तो एक बनता है बच्चे हमारे पास क्राउन ग्लास, और दूसरा बच्चे हमारे पास क्या बन जाता है, फ्लिंट ग्लास बच्चे हमारे पास बन जाता है। सो हमारे पास एक बन जाता है क्राउन ग्लास, और दूसरा क्या बन जाता है बच्चे, फ्लिंट ग्लास। दो चीजें चलते हैं आगे। अब बच्चे अगर हम आगे की तरफ को चले और चीजों को अंडरस्टैंड करें, तो पर्पस द प्रिज्म, जो बच्चा हमारे पास प्रिज्म इज ए रिक्वायर्ड, जो प्रिज्म है वो आपको क्यों चाहिए, फॉर डिविएशन, फॉर द डिविएशन, फॉर द डिविएशन एंड डिस्पर्शन पर्पस, फॉर द डिविएशन एंड द डिस्पर्शन पर्पस। तो पहले हम डिविएशन बाई प्रिज्म पढ़ लेते। हमारे पास सबसे पहली चीज क्या आ जाती है, डिविएशन बाय द प्रिज्म। सो हमारे पास यहाँ पर सबसे पहली चीज क्या आ जाती है, वी हैव द डिविएशन बाय द प्रिज्म। सो वी हैव द डिविएशन बाय प्रिज्म। सो हमारे पास जो प्रिज्म है वो आपके पास लाइट को कैसे डिविएट कर जाता है, तो बड़े सिंपल सी बात है, कोई तो बहुत मुश्किल चीज नहीं भाई। अंदर का मीडियम बाहर से अलग है, तो डेफिनेटली है कि लाइट क्या हो जाएगी, डिविएट। तो ये बच्चा हमारे पास हम प्रिज्म को देख, ये आपका प्रिज्म है जो ग्लास का बना हुआ बच्चा, ठीक। और हमारे पास क्या, यहां से एंगल ऑफ प्रिज्म कितने के बराबर है, ये बच्चे आपके पास ए के बराबर, ठीक। हमारे पास यहां से ये नॉर्मल ड्रॉ हो गया, नाउ दिस इज द नॉर्मल, ध्यान से समझना, ये नॉर्मल है प्रिज्म। और हमारे पास यहां से लाइट गई, ये बच्चे आपके पास लाइट एंटर थी, तो लाइट डेंसर मीडियम में जा रही है, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये दूसरे फेस पे पहुंची, और दूसरे फेस पे भी हमारे पास क्या बन गया, नॉर्मल। ये देखिए ऐसे, ये बच्चे हमारे पास नॉर्मल, ये दोनों नॉर्मल टच कर रहे हैं। और फाइनली हमारे पास ये लाइट क्या कर रही है, फाइनली ये लाइट आपके पास बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल और यहाँ पहुंच जाती है। तो ये लाइट का हमारे पास क्या आ गया, रे डायग्राम आ गया, ये बेस ऑफ द प्रिज्म, और ये रे डायग्राम आ गया। अब हमारे पास क्या है कि लाइट डिविएट कैसे हुई, तो ये लाइट का एक्चुअल पाथ क्या था, जरा चेक करें, तो हमारे पास ये लाइट का एक्चुअल पाथ था, ये लाइट का आपके पास एक्चुअल पाथ था, और ये लाइट हमारे पास यहाँ पर क्या होगी बच्चे, डिविएट होगी। तो ये लाइट बच्चे हमारे पास यहाँ पर क्या होगी, डिविएट होगी ऐसे। सो ये लाइट बच्चे हमारे पास डिविएट होगी, दिस इज नॉर्मल एन वन, ये नॉर्मल है बच्चे हमारे पास एन टू, ये एंगल है बच्चा आपके पास इंसिडेंट, ये एंगल ऑफ इमरजेंस है, ये रिफ्रैक्शन एंगल है आर वन, ये आपके पास है आर टू। तो ये छोटा सा एंगल कितना आ गया, ई माइनस आर वन, ये आपके पास एंगल कितना आ गया, ई माइनस ऑफ आर टू, ये वाला एंगल आपके पास कितना आ गया, 180 डिग्री माइनस ऑफ ई, क्योंकि बच्चे आपके पास क्वाड्रिलेटरल की दो साइड से, और हमारे पास नाउ दिस इज द बेस ऑफ द प्रिज्म। तो ये बच्चा हमारे पास क्या बन जाती है, बेस ऑफ द प्रिज्म। तो ये बच्चा हमारे पास क्या बन गया, बेस ऑफ द प्रिज्म। तो है कुछ नहीं, ज्योमेट्री की छोटी मोटी समझ है। अगर मुझे ज्योमेट्री की समझ है तो मैं 2 मिनट के अंदर इस चीजों को समझ लूंगा। देखिए कैसे, एंगल ऑफ डिविएशन, तो मुझे अगर एंगल ऑफ डिविएशन देखना है, सो ये एंगल ऑफ डिविएशन किसके बराबर होगा, तो मेरे को एक ट्रायंगल देखना चाहिए। लेट अस कंसीडर द ट्रायंगल पी क्यू एंड वी हैव आर। अगर मैं इस ट्रायंगल को देखता हूँ पी क्यू आर, द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू द
एक्सटीरियर एंगल, डेल इज एक्सटीरियर एंगल, आई माइनस आई आर वन, ई माइनस आर टू इंटीरियर एंगल. So the angle of deviation is I plus of E minus of R1 minus of R2. So del is equal to I plus of E minus outside R1 plus of R2. So this is equation number one. Also, अगर हम यहाँ पर एक और ले ले S, तो in triangle QRS. So this was the PQR. So next triangle is QRS. अगर बच्चे आप QRS angle को ले लेते हो, तो आपके पास R1 plus of R2. This is equal to आपके पास कितने के बराबर है? वो आपके पास plus of 180 minus A. Sorry. So plus of 180 minus A is equal to 180. The sum of the three angles of the triangle is 180. So this gets cancelled out. And we have R1 plus of R2 is equal to 180 degrees. And therefore, the angle of deviation is I plus of E minus of. So this is one of the best result. ये आपको दो नंबर का. This is one of the best result बच्चे जो हमको यहाँ पर दिमाग में रखना. ठीक है. चलिए बच्चे. So अभी यहाँ पर हम इसको इतना discuss करते हैं. कल हम आगे start करेंगे. तब तक आप थोड़ा पढ़ के आना. जी मेगा बोलो बच्चे. मेगा बोलो. सर वहाँ पे ए नहीं आएगा, R1 plus R2 is equals to A. आप इसकी जगह ए लिख देंगे ना बच्चे, तो ए लिख दिया बच्चे हमने यहाँ पर. अच्छा यहाँ पर अच्छा ठीक है, ए आएगा. ठीक है बेटा. ठीक चलिए बच्चे. ठीक है चलिए. ओके बच्चे, बाय बाय, टेक केयर. थैंक यू मेगा, थैंक यू, बाय बाय.